264 कार चेकिंग घोटाले में एक और गिरफ्तार। वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय कांत। इकोसेल के 264 चार पहिया वाहनों की तस्करी के मामले में एक और गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले पुलिस ने इस अपराध में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 6 करोड़ की 254 कारें जब्त की थी। इकोसेल के PSI सागर प्रधान ने कर्मचारियों के साथ कामरेज मोड़ के पास पान के गल्ले में एक घड़ी लगाई थी। इसके दौरान इकोसेल के पान के गल्ले से विराम गगजी भुआ निवासी पोंडा पाली कामरेज को पकड़ लिया गया। सूत्रधार कालू भुवन के छोटे भाई विराम भुवन ने बैंक खाते में 10 लाख रुपए दिखाया गया था। आरोपी विराम जो है वो पान का गल्ला चलाता है। इससे पहले दोनों भाइयों ने कार मालिकों को रोजाना 1400 रुपए किराया देने का लालच भी दिया था। इतना ही नहीं, भरूच में दुकानी इससे पहले दोनों भाइयों ने कार मालिकों को रोजाना 1400 रुपए किराया देने का लालच दिया था। इतना ही नहीं, भरूच के जुकनिया के कंपनी में कार लगाने की बात कही थी। 264 वाहनों के मालिक ने गिरोह में जाल में फंसे दोनों भाइयों को असली कागजात दिए। इससे पहले पुलिस ने 254 वाहन उनके मालिकों को सौंपे थे। इसके अलावा 10 वाहनों का अभी पता नहीं चल पाया। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद जय।